Okay, so guys, so welcome back to my channel. It's me Sachin, and you guys are watching my YouTube channel, Sachin Bhaiya. So, dude, तो आज है मकर संक्रांति और हम यहाँ पे आए हैं दूधनी और हम पतंग चगाने वाले नहीं हैं क्योंकि गाइस उससे बहुत नुकसान होता है दूसरों को. सो फिलहाल तो मेरे साथ मनीष एंड जीतू जो कि हम डेली अब साथ में ही रहेंगे. तो आपको इन लोगों के साथ ही ब्लॉग देखने के लोग मिलेगा. तो फिलहाल तो हम यहाँ पे अभी क्या करेंगे बहुत कुछ करने वाले सोचते हैं. डूड तो फिलहाल तो हम शूट करेंगे रील्स दो तीन एंड बाद में जीतू क्या बोल रहा है उसमें डिपेंड कर रहे हैं. सो गाइज मकर हैप्पी मकर संक्रांति आपको एंड आपकी फैमिली को. लाया है हमने जीतू ने नया लिया है सो इससे पार्टी मांगनी पड़ेगी. गाइज अब मैंने दुधनी का ब्लॉग अच्छी तरह से नहीं बनाया सो आपको यहाँ पे आज पूरा का पूरा एक्सप्लोर करूँगा एंड क्या कुछ है. सो चलो स्टार्ट करते हैं. लेट्स गो गाइज. यार हमने बहुत ट्राई कर लिया बट दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है. अभी वड़ा पाव खा के आएगा. अभी कुछ खाएंगे उसके बाद दिमाग में आएगा ऐसा लग रहा है. ये लोग तो अभी जीतू ही कुछ क्रिएटिव सोचेगा तब सोचना पड़ेगा. गाइस आपको कुछ प्रैंक चाहिए सो तो कमेंट कर सकते हो. नेक्स्ट वीडियो में जरूर ट्राई करेंगे क्योंकि हम शर्माता नहीं ना. ये शर्माता है जीतू ऑल्सो. तो गाइस अभी हम जा रहे हैं ऊपर देखते हैं वहाँ पे जाके चढ़ पाते हैं या नहीं. ऊपर क्या है बहुत पब्लिक है ऐसी मुझे लग रहा है पर देखेंगे अभी. फिर तो ये सोच रहा है क्या देख रहा है तू. और हमारा ब्रो यहाँ पे कुछ कर रहा है. जल्दी सोचना यार. देखो गाइस आज मकर संक्रांति है और पूरा आसमान खाली एक भी कोई इंटरेस्टेड नहीं है. अपन लोग करेंगे क्या नहीं मकर संक्रांति काइट पतंग उड़ाएंगे क्या नहीं करेंगे. क्यों सही बोला ब्रो. चल रहे मनीष यार ऊपर जाएंगे बाद में. सो गाइस ये दो ये कार आप देख रहे हो ना तो ये बोल रहे हैं इनके यहाँ पे जाके फोटो शूट करें. और गाइस इस पे इसके ऊपर बहुत सारी पब्लिक है ना तो हम नहीं जा सकते. और ये ब्रो देखो अभी हमारा फोटोग्राफर. सो गाइज अभी से ना हम इसको ही शूट करने देंगे जो भी होगा वो. तो अभी इसको सिखाएंगे हम दोनों क्या बोलता है क्योंकि हमारे पास कोई बंदा है ना नहीं है ना. तो और अगर होगा तो हमको कांटेक्ट कर सकते हो हम उसको देंगे कुछ. अभी ना हम कुछ खाने का सोच रहे हैं. मनीष बोल रहा है कुछ खिलाएगा मैं खिलाऊंगा ऐसा बोल रहा है. सो देखेंगे चल कुछ. तो गाइज हमको हेयर चेंज करवाने पड़ेंगे यार जीतू का देखो गाइज हेयर यार कार देख के हमको लेने का मन कर रहा है. कुछ नहीं गाइज एक दिन हम घूमेंगे. हाँ अभी हम जा रहे हैं पूल दिखाने आपको. अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है ना वो आधे तक बन गया है पूल पूरा. एंड गाइज इस तरफ आप देख सकते हो ये वो बोट है उसमें बैठ के जाने का. एंड ये पुरानी बोट है जो काफ़ी साल पहले चलती थी. एंड ये गाइस देखो ये है एम्बुलेंस और ये बोट इसको भर के जो भी इमरजेंसी होती है ना सो वो ये बोट जाती है जस्ट कॉल एंड तुरंत उस तरफ आ जाएगी. आप ट्राई कर सकते हो. हमारे यहाँ के भी लोग जाते हैं. एक बार हम मनीष को भी ले गए थे. मनीष गए थे ना जीतू तूने ही कॉल किया था ना. नहीं यार गाइस ये देखो ये वाला पूल नहीं है ये तो ना वो फिल्टर पानी होता ना क्या होता है क्या ये व्यू पॉइंट है या फिर अरे व्यू पॉइंट नहीं रे इसकी ये क्या इसमें पानी फिल्टर होता है. हाँ फिल्टर वाला
सो गाइस देखो मस्त लोकेशन है एंड ये मेरे बाप की बोट है जो दूधनी में डूबा नहीं ना वहाँ पहले यहाँ पे काम करता था। सॉरी गाइस जस्ट ऐसे ही बोल रहा था, ऐसा कुछ काम नहीं करते हम, और हम तीनों तो घूमते रहते हैं और काम नहीं करते तो कुछ नहीं, लड़कियाँ डिसलाइक कर दो नहीं डिसलाइक कर सकते हो, हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं, इससे कुछ नहीं होता गाइस। ओए गाइस ओए वहाँ पे जाएँ क्या फोटोशूट करने? देखो गाइस यार काश हम इस पर जा सकते। फाइनली गाइस एक लोकेशन मिल गया जैसे तैसे, तो देखते हैं अभी ट्राई करके यहाँ पे दो तीन रील्स के देखते हैं नेट होगा तो वहाँ पे ना गाइस, थोड़ा नेट का प्रॉब्लम था। सो डूड अभी हमने घूम लिया और कुछ हमने शूट किया नहीं, ऐसे ही थोड़ा बैठे उधर और इस मनीष की वजह से कुछ नहीं कर पाए। सो अभी हम जा रहे हैं रिटर्न बैक टू द दिस साइड गाइस, और उसमें भी बैठ के भी जा सकते थे बट हम नहीं जाने वाले, इसमें ही जाएंगे क्योंकि हमारे पास बाइक नहीं है भाई थी बट गाइस उस तरफ ही रखी है। सो अभी दिखा रहा हूँ ये देखो पूरी बोट भरी हुई है और यहाँ पे आप देख सकते हो एम्बुलेंस भी है सब कुछ है। बहुत भूख लगे सो अभी जाएंगे अश्विन के वहाँ पे कुछ खाएंगे। वही चल रहे ये तो क्या सोच रहा है, थक गए गाइस भूख लगे सो जाके वड़ा पाव खाएंगे। और आप देख सकते हो काफ़ी भीड़ है यहाँ पे, सी दिस सीन गाइस। चल हीरो निकल रहे हैं, ये गाइस हमारा राइडर हमारा बुलसीट गाय गाड़ी चला रहा है। सो गाइस अभी मैं आपको दिखाता हूँ उबड़े में से चिकन कैसे बनता है, ये देखो निकाल रहा है इसमें गाइस पापड़ी एंड उबड़े सब है, चिकन भी है, चिकन वाला उबड़े हमने तो ऐसे ही खा लिया सादा वाला उबड़े, दो बनाए थे, दो मटके में बनाए थे एक सादा वाला वो वहाँ पे है वो हमने पहले ही खा लिया, ये सब क्लीन एंड ये इसमें चिकन है। ये गाइस देखो हड्डी ये खाएगी और ये खाएगा इसकी फैमिली खाएगी ये लोग खाएंगे ये लोग खाते इस ये घर वाले खाते हैं और हम नहीं खाते वरिन खाए जास खाने का दो तो इसमें अभी निकालेंगे ना वो आपको दिखाऊंगा मैं। ये देखो गाइस इस अभी इसका टेस्ट तो यही बहुत बता सकता है कैसा लग रहा है और नहीं। संक्रांति स्पेशल डिश उबड़ियू विथ मटका, ये गाइस देखो पीस है चिकन का, अभी इसका टेस्ट कैसा लग रहा है वो हमारा ब्रो बताएगा आपको, थोड़ा खाके देखना। देखो अभी कैसा लग रहा है, बढ़िया एक नंबर। ओ ये देखो प्रियंका ने भी खा लिया, परसिला तू खाएगी क्या? नहीं ओ शाबाश गुड गर्ल ये नहीं खा रही ऐसा बोल रही है बट छुपके जाके खाएगी मुझे पता है। क्या कर रहा है रे? हाँ जगह मजा कर, और अभी एक भी नहीं है तो विहान का चिकवा चस्का नहीं, और अश्विन आज वड़ा नहीं बनेगा अभी थोड़ा ये रेस्ट करेगा और पतंग चगाने के लिए आया है। कुछ चल रहा है यहाँ पे मैम
ज़्यादा हमारे यहाँ के बंदे इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, ये बहुत इंटरेस्ट लेता है, अश्विन बहुत इंटरेस्ट लेता है, बट इसको काम होता है ना तो। गाइज सो फिलहाल तो मैं ये ब्लॉग एंड कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लंबा हो चुका है एंड मेरे मोबाइल में चार्जिंग भी नहीं है, सो इसलिए मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। और हमने बहुत मज़ा किया आज पूरा दिन, ऐसे ही घूमे फिरे एंड इन्जॉय किया, कुछ बहुत सारा जो जो मिला वो खा लिया एंड फिलहाल तो यहाँ पे हैं। एंड आई होप यू गाइज इन्जॉय दिस वीडियो, एंड वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट एंड शेयर करो, न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू, स्टे ट्यून्ड।